हेलो एवरीवन, वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपण मानंकु स्वागत करुछि। तबे आज आम डिस्कशन करबा 3 एप्रिल 2022 रे हमर जो परीक्षा कंडक्ट करा जायछि, माने ओडिसा स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन रो आपण माने जानिथिबे सेल्स असिस्टेंट डीओ रो परीक्षा आज कंडक्ट करा जायछि, जार कि हमर मेमोर बेस जीके क्वेश्चन गुडी को मिलिछि, जा कि पाखा पाखी 30 प्लस क्वेश्चन रहिछि, तो से गुडी को हम डिस्कशन करबा। पाखा पाखी आपनकर 50 टा क्वेश्चन आस्तला डायरेक्ट आपनकर फर्स्ट शीट रे, तो फर्स्ट शीट रो पाखा पाखी 30 क्वेश्चन आमको मिली, जहाँकि आज आम डिस्कसन करवा। तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत देखु, एवं जो मैंने चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाई। तेज चलतु डिस्कसन को आरंभ करवा। तो प्रथम क्वेश्चन आप देखते, प्रथम क्वेश्चन आपला हु इज द फाइनेंस एंड एक्साइज मिनिस्टर अफ ओडा। तो आप जानते फाइनेंस मिनिस्टर जी अच्छा ओडार से एक्साइज मिनिस्टर अच्छा, तो आपंकर सेकेंड सिफ्ट क्वेश्चन आसाला, तो हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। तो आप सठिक उत्तर ओडिशा रा वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा श्री निरंजन पुजारी। तो सठिक उत्तर श्री निरंजन पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही फास्ट फिमेल जज इन हाइकोर्ट अफ ओडा। तो आप फास्ट फिमेल जज थे कि हाइकोर्ट अफ ओडार से होती अम्य कुमारी पाढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही टोटल डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। तो आम ओडिशा रे 30 डिस्ट्रिक्ट रही, तो आपने इजिली क्वेश्चन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही अपराजिता षडंगी एमपी फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आप जानते भुवनेश्वर रो एमपी होती अपराजिता षडंगी, जे कि बीजेपी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हाट इज द टेन्योर ऑफ यूपीएससी चेयरमैन। तो यूपीएससी चेयरमैन जो रही थार टेन्योर कते वर्ष थाए, तो सठिक उत्तर हो 6 वर्ष, जहाँकि ऑप्शन थिला। तो 6 वर्ष हो यूपीएससी चेयरमैन का टेन्योर, जहाँकि टिल 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु इज द विनर ऑफ जनपीठ अवार्ड। मैंने आप ज्ञानपीठ अवार्ड जोटा कहती, तो 2021 विनर होती जनपीठ अवार्ड बा ज्ञानपीठ अवार्ड रहा हो दामोदर मौजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु वाज द फास्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। तो ये आपंकर इजी क्वेश्चन था, तो फास्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा होती श्रीमती नंदिनी शतपथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही आरबीसी अदर नेम, जहाँकि आप साइंस गोटे क्वेश्चन पचार, तो आरबीसी अदर नेम हो एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु वाज द ओडिया पोएट गेट द एकेडमी अवार्ड बा जोटा को केन्द्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड कहती, जहाँकि डिसेम्बर 2021 जो मिली। तो आपंकर ओडिया पोएट जे कि डिसेम्बर 2021 केन्द्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड पाई, से होती ऋषिकेश मल्लिक। जो मैंने फरी कलेक्शन अफ पोएम जोटा कि सरी जाइवा अपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच मीनार सिचुएटेड नियर हीराकुद डैम। तो आपंकर हीराकुद डैम भल व्यू पे जो मीनारटा रही पाखे से गांधी मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही आर्टिकल 14 पचार, तो आर्टिकल 14 टा होची राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इन 1876 हु वाज द क्वीन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर क्वीन किए थे पचार, जहाँकि 1876 मसीह। तो सठिक उत्तर हो क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इन पीरियोडिक टेबुल व्हिच इज द ओनली मेटालिक एलिमेंट। तो आप देखते ये आप जो रही है यहाँ 15th ग्रुप पचार, 15 ग्रुप तो 15 ग्रुप ओनली मेटालिक एलिमेंट हूँ बिस्मुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ओडिशा रिलेटेड गोटे स्कीम पचार, तो से आप मैंने भारियस जो स्टेट मैंने अलग स्टेट समस्त ना था, तो ओडिशा रिलेटेड स्कीमटा थी जहाँकि लॉन्च करते किए, तो से आपर मैंने विभिन्न जो आम अलग जो राज्य रही चीफ मिनिस्टर ना देता से यहाँ सहित नवीन पट्टनायक ना देता। तो सठिक उत्तर हो नवीन पट्टनायक, कारण देखो स्कीमटा तो आम जानू स्कीमटा आप कमेंट करूँ कौ स्कीम थी। तो आपर जेहेतु ओडिशा रिलेटेड पचार, तो चीफ मिनिस्टर 20 वर्ष मैंने जानते जो अच्छा नवीन पट्टनायक, जहाँकि 14th सीएम आमर अच्छा ओडिशा रो, तो से हिसाब से आपंकर आंसर हम नवीन पट्टनायक। तो स्कीमटा आप निश्चिंत कमेंट रे मेंशन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इन व्हिच ईयर प्लानिंग कमिशन एस्टाब्लीश। तो प्लानिंग कमिशन केबे एस्टाब्लीश होता से विषय पचार, तो 1950 हो सठिक उत्तर, जहाँकि 15 मार्च 1950 आम प्लानिंग कमिशन इंडिया एस्टाब्लीश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही आरटीआई आक्ट, मैंने आपंकर राइट टू इनफर्मेशन आक्ट जो रही कोई इयर एनाक्टेड होता। तो सठिक उत्तर हो 2005 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही
हु सेंड द फास्ट इमेल तो आपटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था पिलाने कन्फ्यूज होते तो फास्ट इमेल को किए सेंड करते तो फास्ट इमेल को सेंड करते रेमंड टोमिलसन रेमंड टोमिलसन जेकि फास्ट इमेल को सेंड करते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ह्विच वन अफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपशन देखते ऑप्शन थिला फालोपियन ट्यूब कॉर्बिक्स बा सर्विक्स यूरेथ्रा भाजिना तो यार सठिक उत्तर होकर ऑप्शन थ्री जैकि यूरेथ्रा यूरेथ्राटा गोटे माने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो पार्ट नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु वाज द फास्ट वोमेन फ्रॉम ओडिशा टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट तो आपंकर यहाँ हूँ मानने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि फास्ट वोमेन हिसाब से ओडिशा जेकि क्लाइम करते माउंट एवरेस्ट को सी होती कल्पना दास नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ओडिशा गवर्नमेंट गोटे स्कीम पचारा जहाँकि मधुबाबू पेंशन योजना तो आपंकर स्कीमटा टी भल भाव मेनसन करेंगे मानने मधुबाबू रिलेटेड पेंशन योजना थी कि मधु योजना थी तो आपड़ा क्वेश्चनटा टी ठीक पठेबे तो क्वेश्चन आम कहीदेचु ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम मधुबाबू पेंशन योजना लंच होता आमर जैक दुईटा पेंशन स्कीम को मर्ज करके जैक 2008 रे तो क्वेश्चन आप ठीक अच्छे कि ना आप कमेंट में मेनसन करूँ आज जब क्वेश्चन जब भूल भाव अच्छे लगुच क्वेश्चनटा कौन थी आप कमेंट सेक्शन में निश्चित मेनसन कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु ओन्स द फास्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटल अवार्ड तो आपंकर जो क्वेश्चन पचारा हु ओन द फास्ट एवर मैंने फास्ट एवर होता फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटल अवार्ड को पाई आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही आर्मी डे पचार तो आर्मी डेटा हूँ आम 15 जनवरी आर्मी डे सेलिब्रेट कराए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ह्विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन सबकंटिनेंट तो आपंकर क्वेश्चन देखो इंडियन सबकंटिनेंट रे को देशटा इंक्लूडेड ना तो आपंकर ऑप्शन थी अफगानिस्तान जैकि अफगानिस्तान आप देखते मैंने इंक्लूडेड ना इंडियन सबकंटिनेंट रे तो सठिक उत्तर हो अफगानिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही ओडिशा स्टेट फॉर्मेशन डेट तो आमर ओडिशा स्टेट फॉर्मेशन डेट हूँ 1 अप्रैल 1936 रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इन ह्विच इयर कोणार्क गेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस तो आपंकर कोणार्क टेम्पल जोटा रही है सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो स्टेटस पाई 1984 मसीह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही लोकसभा एमपीएस 25 ह्विच आर्टिकल तो क्वेश्चनटा टी ठीक ठाक लगुनि क्वेश्चनटा कौन ठीक ठाक अच्छे कि ना आप क्वेश्चनटा जब ठीक से पठेबे तार आंसर आम कर तो क्वेश्चनटा कौन थी आप कमेंट में मेनसन करूँ यह सहित मुझे टैग करदेवी आंसर गुड़िक तो ठीक क्वेश्चनटा ठीक अच्छे कि ना आप मैंने मेनसन करूँ कमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही फास्ट रेलवे लाइन तो फास्ट रेलवे लाइन इन ह्विच इयर इन इंडिया तो फास्ट रेलवे लाइन आम इंडिया होता 1853 रे जहाँकि 32 किलोमीटर लंबा लाइन थी जहाँकि बम्बे थाने पर्यटन चलता नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही क्वेश्चन टी राइट टू एजुकेशन आर्टिकल तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकलटा हूँ 21A नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इंडस वाटर ट्रिटी इन ह्विच इयर तो इंडस वाटर ट्रिटीटा आप जानते जे आम इंडिया और पाकिस्तान मध्य रही तो इंडस वाटर ट्रिटीटा होता कराची में जहाँकि आप 1960 माने 1960 मसीह साइन होता जहाँकि पाकिस्तान इंडिया भितर तो आप देखते से टाइम जवाहरलाल नेहरू आउ आयुब खान दिजन मध्य सन्धि होता इंडस वाटर ट्रिटी जैक 19 सेप्टेम्बर 1960 होता तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट भल भाव मन रखु नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही क्वेश्चन टी उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अन् ह्विच रिवर तो आपंकर जो उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टा रही कौ रिवर उपर रही पचार तो सठिक उत्तर हो झेलम रिवर उपर तो समस्त मन रखु झेलम रिवर उपर उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तैयारी करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही आनुआल फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्री पार्ट तो आपंकर देखो ये क्वेश्चनटा मैंने कंप्लीट क्वेश्चन मिलनी तो तीन टा क्वेश्चन आप कंप्लीट क्वेश्चन मिलनी या सहित आपंकर देखो टोटाल 50 जीके क्वेश्चन आसाला तो पाखापाखि 30 क्वेश्चन आम डिस्कसन करे बुझे 30 क्वेश्चन सहित आज जो अलग क्वेश्चन गुड़िक रही है आप क्वेश्चन मन रही आपने मैंने कमेंट में मेनसन करूँ जहाँकि आम डिस्कसन कर टोटल क्वेश्चन आसे मुझे डिस्कसन करेबी तो बर्तमान पर भिडियो ये आदि आपको भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सांग मध्य अधिक अधिक सेयार करेंगे और सांग मानक निश्चिंत सब्सक्राइब करने आम चैनल को निश्चिंत कहतु तो सब्सक्राइब करने आप चैनल कले आम मोटिवेट हबु नुआ नुआ भिड आपण मैं आणबू तो बर्तमान पर भिडियो ये देखी थी धन्यवाद।